हेलो हेलो हेलो। अब यार मेरा आज रेडियो का प्रैक्टिकल था और काफी अच्छा गया। मैं सोच रहा था क्यों ना अपने व्यूअर्स को रेडियो के बारे में बता दूं। अब बात क्या है कि कुछ टाइम पहले रेड एफएम में कॉन्टेस्ट हुआ था, मेरे देश की जर्सी घूमने कैंपेन था, तो उसमें ऐसा कंटेस्टेंट गया था और लकीली मैं जीत गया था। तो उसके बाद से मेरा इंटरेस्ट तो मेरे को शुरू से ही रहे रेडियो के अंदर, पर हाल फिलहाल में बहुत ज़्यादा बढ़ गया। तो आज हमारा एग्जाम भी था, तो वैसे सच बताऊँ एडिटिंग बहुत हो गया। मैं ब्लॉग भी एडिट करता हूँ, फिर साथ में आ जाके प्रैक्टिकल में वो भी एडिट किया, अपना प्रोडक्शन किया उसका, तो थोड़ा सा एडिटिंग में थक जरूर गया हूँ। पर मैं सोच रहा हूँ आप लोगों को दिखाना चाहिए कि मास कम्युनिकेशन के रेडियो डिपार्टमेंट में आपके लिए क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं। तो गाइज, बिफोर वी हेड टू आवर स्टूडियोस, दिस इज़ आवर लाइब्रेरी, मास कम्युनिकेशन की बहुत लाइब्रेरी है। वी हैव आई थिंक 1, 2 and 3 क्लासरूम्स ऑन दिस फ्लोर, एंड ऑल्सो इन दिस पिकासो ब्लॉक ओनली वी हैव 3 फ्लोर्स असाइन टू मास कम्युनिकेशन। तो वी विल नाउ बी हेडिंग टू द रेडियो लैब वेयर द मैजिक हैपेंस। अभी आरजे का ना अक्सर लोगों को ये लगता है कि आप स्टूडियो पहुंच गए और एक सक्सेसफुल आरजे बन गए, पर ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। क्योंकि क्या होता है ना कि हर चीज़ के अंदर आपको एक्सपर्ट ट्रेनिंग चाहिए होती है, तो ट्रेनिंग हमेशा ही थ्योरी से होती है। अगर आप लोगों को ये डाउट था कि नहीं भाई सीधा ही आपको लैब में बिठा देंगे, तो ऐसा कभी नहीं होता है। और जहाँ पे होता मेरे को भी बताना, मैं भी आऊँ, पर ऐसा कभी होता नहीं है। तो पहले थोड़ा सा थ्योरी के बारे में बता दूँ कि आपको सिखाते कैसे। सो बिफोर हेडिंग टू आवर कम्युनिटी रेडियो आई थॉट आई शो यू अराउंड इट। This is one where all our industrial specialists, whosoever comes to our department, all the sessions happen here only. I would have shown you how it looks on the inside, but बंद। ये मास कम्युनिकेशन की ट्रॉफीज हैं। अभी फिलहाल तो इसमें मेरी कोई है नहीं, तो मैं ऐसे आ गया यहाँ पर। बचाने से रियलाइजेशन हुआ मेरे को कि हम सीधा लैब भी जा सकते थे, तो आइए लैब भी चलते। अब गाइस, रेडियो ना दो पार्ट्स में पढ़ाया जाता है बेसिकली। एक तो जब थर्ड सेमेस्टर में यू इंट्रोड्यूस टू इट, एंड इन द फिफ्थ सेमेस्टर you specialize in. So guys, this is our editing studio, editing lab. It is also sometimes a classroom. In radio, whatever you record is as important as how you edit what you have recorded. So har yahan pe jitne bhi desktop jitne bhi system hai, har usme sound editing software already installed hai. So it is very interesting, and but to be honest, as an RJ, the recording part personally I like it more than any of the other procedures that we need to follow. तो गाइस, पहुंच चुके हैं हम हमारे रिकॉर्डिंग स्टूडियो में। अब क्या होता है ना, आइए इधर लाइए जरा। ये है कंसोल, इसको चलाने, इसको बेसिकली ज़्यादा तुमको ज़्यादा हमारे जो हमारे प्रोफेसर हैं डॉक्टर पंकज गर्ग, मेरे को ऐसा लगता है कि वन ऑफ द बेस्ट टीचर्स यू एवर मीट। तो उनका ना बहुत अच्छा स्टाइल है, वो थ्योरी ज़्यादा नहीं कराते, प्रैक्टिकल करते हैं ना, बैलेंस क्रिएट करके चलते हैं, हमारा भी इंटरेस्ट बना रहता है। तो ये कंसोल है, उन्होंने हमको सिखाया था साथ के साथ ही। तो फेडर्स बोलते हैं इनको, तो इनको हमेशा ऐसे बड़ा ग्लाइड किया जाता है, इनको हमेशा प्यार से यूज़ किया जाता है। ये पूरा रूम साउंड प्रूफ है, तो जो भी मैं बोल रहा हूँ इस समय पर कैमरा को छोड़कर और कोई नहीं सुन पा रहा, ऑफ कोर्स जो रिकॉर्ड कर रहा है उसको छोड़कर कोई और खास सुन नहीं पा रहा मैं क्या बोल रहा हूँ। सो गाइज, देर आर अ फ्यू थिंग्स दैट वी नीड टू कीप इन आवर माइंड बिफोर वी रिकॉर्ड आवर सेल्स। तो सिस्टम ऑन है, फेडर यहाँ से ऊपर नीचे हो रहा है। आई लव स्पीकिंग ऑन द माइक, तो मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ आगे जो भी बोलने वाला हूँ मैं। व्हेनेवर यू रिकॉर्ड योरसेल्फ, देयर आर टू ऑप्शंस अवेलेबल फॉर यू। इफ देयर आर टू पीपल, अदर पर्सन कैन ऑपरेट द कंसोल एंड द सिस्टम, एंड द अदर पर्सन हु इज रिकॉर्डिंग हैज टू गो टू द रिकॉर्डिंग रूम, व्हिच आई विल बी शोइंग यू अराउंड इन द नेक्स्ट शॉट। इफ यू आर व्हेनेवर यू स्टार्ट ट्रेनिंग, दिस इज द मोस्ट बेसिक पॉइंट। आफ्टर दिस we'll move on to the community radio, that is basically the master level of radio. So whenever we are recording ourselves, हम लोगों को एसी पंखा सब कुछ ऑफ करना पड़ता है। द रीजन बींग बिकॉज आपकी सांस की आवाज़ें कई बार इतनी हो जाती है कि आपको एडिट करनी पड़ती है। तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल अबाउट what is it that you are doing at that point of time when you are recording yourself. तो your hands need to be still, you yourself need to be very still, and all you need to focus on is how you are modulating your voice. सीधा बोलते बोलते आपको अपनी आवाज़ कम भी करनी पड़ती है, और कम बोलते बोलते आपको अपनी ज़्यादा भी करनी पड़ सकती है। तो मज़ा बहुत आता है, आप आने वाले टाइम के अंदर सीख सकते हो ये मेरी तरह। सो रोहन इज हियर, आई ब्रॉट हिम अलॉन्ग विद मी, सो ही विल बी ऑपरेटिंग द कंसोल एंड रिकॉर्डिंग माई वॉइस। दिस इज द साउंड एडिटिंग एंड रिकॉर्डिंग सॉफ्टवेयर दैट वी हैव यूज साउंड फोर्ज हियर, and I'll be going there now to the recording studio. Hello, we have now entered our recording room. So we have a teleprompter right in front of me. I'll be showing it to you once I come back and take my camera and then record the footage here. This standee we have, we use this for keeping our scripts on it, so you don't have to go through the pages and hold the script in your hands. It's much easier this way. This is our recording room. We have a clock which is not in use currently. This again a teleprompter which is not in use currently because
अभी मेरे को नहीं थी जरूरत इसकी. रोहन इज देयर ऑपरेटिंग द सिस्टम अलॉन्ग विद हिम. वी हैव मैत्री, अनदर फ्रेंड ऑफ माइन हु केम हियर टू हेल्प. सो बिफोर यू गो इन द रिकॉर्डिंग रूम यू नीड टू टेक केयर ऑफ व्हाट यू आर अबाउट टू स्पीक. फॉर दैट यू नीड अ लिटिल प्रायर नॉलेज अबाउट हाउ टू स्क्रिप्ट योर रिकॉर्डिंग्स. तो सिर्फ एक चीज बहुत ज्यादा ध्यान रखनी चाहिए कि यू नीड योर रिकॉर्डिंग टू बी प्लीजिंग टू द ईयर्स. यू नीड टू अंडरस्टैंड कि तुम जो बोलने वाले हो वो अगला इंसान देख नहीं सकता, तो तुमको अपनी वॉइस से ही उसको वो चीज़ें दिखानी पड़ेगी. उसकी विजुअलाइजेशन को इस तरह से टैप करना पड़ेगा कि तुम्हारी स्क्रिप्ट में वो अपील होनी चाहिए. अब मैं आपको बताता हूँ यहाँ पर आने का सबसे मेन फायदा. वेल इजंट इट फैंटास्टिक. तो क्या होता है कि एवरी इक्विपमेंट दैट अ प्राइवेट रेडियो स्टेशन हैज और अ रेगुलर रेडियो स्टेशन हैज, वी ऑल्सो हैव इट राइट हियर. And with time, when you master the art of production and recording and scripting, you come here as a part of our final examinations. We have to go live also. So this is the community radio. I'll now show it properly. This console here is operated by yet another faculty member of ours, Mr. Upinder Kaur, another fab teacher. Tell you. So ये चीज़ आपने शायद नोटिस करी होगी कि वही पिछले वाले रिकॉर्डिंग रूम की तरह एक कंसोल है जो ऑपरेट करना होता है. एंड दिस इज द रिकॉर्डिंग room for Chitkara FM 107.8. So everything that you'll get to witness or experience in a regular station, you'll get to witness here also. So that when you go to internship etc., so you're already trained for the things that you're about to do. Guys, ये था tip of the iceberg only. Because अभी तो बहुत कुछ सीखना बाकी है मुझे भी. मैं तो because अभी third semester में ही हूँ अपने. But अभी तक मजा बहुत है. If you are interested in pursuing radio as a career, it's going to be a wonderful experience for you. So, अगर आपको कोई और doubts होगा, उनसे comment में पूछ सकते हैं. इनको personally अगर कभी visit पर आओ तो उनसे मिल सकते हो. You know my name. And the faculty here is amazing. It's very experienced. Most of the teachers are industrial experts. And yes, you're going to enjoy your time here. So, I'll see you in the next vlog. तब तक के लिए, जय हिंद. Please subscribe to Kishik Sarawat, formerly known as Book My Mind. And please like, share and subscribe. See you in the next vlog.